हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्लेइंग कार्ड्स के सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ ताकि आप प्लेइंग कार्ड्स पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेइंग कार्ड के हर पैकेट में 52 कार्ड्स होते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे, 52 लिख लीजिए आप। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ये होता है 52, इसको कहते हैं पैक ऑफ 52 कार्ड्स। या फिर इसको कहते हैं डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कुछ भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में ये भी मेंशन होता है, ये भी मेंशन होता है। इसके फोर टाइप्स हैं, या फिर इसको कहते हैं फोर सूट्स। वो फोर टाइप या फोर सूट्स क्या हैं वो देख लीजिए। फर्स्ट टाइप है स्पेड्स, हर्ट, क्लब, डायमंड। अब मैं दिखाता हूं कैसे पहचानेंगे इसे। इस सिंबल को कहते हैं हर्ट, ये है आपका स्पेड्स, इसको कहते हैं क्लब और इसको कहते हैं डायमंड। और हर टाइप के 13 कार्ड होते हैं, स्पेड्स के 13, हर्ट के 13, क्लब के 13 और डायमंड के 13। 13, 13, 13, 13, दैट इज 52। अब हम किसी एक के 13 कार्ड्स को देखेंगे। ये मैंने क्लब के 13 कार्ड्स लिए हैं। कौन कौन से कार्ड हैं वो ध्यान से देख लेते हैं। 2 से 10 तक कार्ड है, फिर एस है, क्वीन है, किंग है और जैक है। ये टोटल 13 कार्ड्स हैं। तो 13 कार्ड्स में क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए आप। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एस, क्वीन, किंग और जैक। ये एस है, ये क्वीन है, ये किंग है और ये जैक है। तो 13 कार्ड्स ये क्लब के थे, सिमिलरली हर्ट के भी होंगे, सिमिलरली क्लब के भी होंगे और सिमिलरली डायमंड के भी होंगे। अब देखेंगे इसमें फेस कार्ड क्या होता है। फेस कार्ड, फेस कार्ड का नाम से ही क्लियर है, वैसे कार्ड इसमें फेस हो। तो 3 कार्ड तो इसमें फेस होते हैं, वो 3 कार्ड हैं आपको ये। जैक देखिए इसमें फेस है, किंग इसमें भी फेस है, क्वीन इसमें भी फेस है। तो फेस कार्ड क्या हो गए, जैक, किंग और क्वीन। तो टोटल 52 कार्ड्स में कितने फेस कार्ड होंगे, 4 फेस कार्ड होंगे ईच टाइप। स्पेड्स के 3, हर्ट के 3, क्लब के 3, डायमंड के 3। तो लिखिए टोटल फेस कार्ड 52 कार्ड्स। कितने होंगे, 3 × 4 विच विल बी इक्वल्स टू 8। अब आते हैं एस, इसको कहते हैं एस, ठीक है। ये क्लब का एस है, वैसे ये डायमंड का एस भी होगा, हर्ट का भी होगा और स्पेड का भी है। तो टोटल नंबर ऑफ एस कितने हो गए, 4, वो भी लिख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ एस कितने होंगे, 4 होंगे। मेनली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो फेस कार्ड पे होते हैं, एस पे होते हैं, ठीक है। एक चीज और, क्वेश्चन में एक फ्रेज आता है, वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। ये क्वेश्चंस में आपको जनरली आपको दिख जाएंगे, आपको ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर होता क्या है ये। जैसे ये मेरे हाथ में 52 कार्ड्स हैं, वेल सफल्ड का मतलब होता है इसको मिक्स करना, इसको जितनी बार चाहें आप उतनी बार मिक्स कर सकते हैं, इसी को कहते हैं वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो इस तरह से प्लेइंग कार्ड्स की इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको जाननी थी, जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने सारी शेयर कर दी। कुछ अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, विल गेट रिप्लाई। अब हम लोग इस पे कुछ बेस्ट क्वेश्चन लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाए। और वो ये क्वेश्चन मैंने लिया एक्सरसाइज 15.1 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। 52 कार्ड से वन कार्ड को पिक किया गया, आपको बताना है कि वो किंग ऑफ रेड कलर होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, 52, क्योंकि नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52।
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हो गया 52। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, एज्यूम कर लेता हूं लेट के इक्वल्स टू इवेंट ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम पहले निकालने पड़ेंगे, उसके लिए आपको तो देखिए रेड कलर के सिर्फ दो ही टाइप होते हैं, एक है हर्ट, दूसरा है डायमंड। तो एक किंग होगा डायमंड का, एक किंग होगा हर्ट का। तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, टू। ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा, ये डायमंड का किंग है, ये भी रेड कलर का है, और ये डायमंड का, ये हर्ट का किंग है, ये भी रेड कलर का है। तो ये टू हो गए। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ के, इवेंट ऑफ किंग ऑफ रेड कलर। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो नंबर ऑफ पॉसिबल क्या है, टू है यहां पे, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 है। तो 2 अपॉन 52 दैट इज 1 अपॉन 26, 2 से 26 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, सेकेंड पार्ट है अ फेस कार्ड, ठीक है। तो मैं मानता हूं लेट एफ इक्वल्स टू इवेंट ऑफ अ फेस कार्ड, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अभी मैंने बताया आपको हर टाइप के तीन फेस कार्ड होते हैं, एक फेस कार्ड निकालने थे। जब हर टाइप के तीन फेस कार्ड होते हैं, टोटल चार टाइप हैं, तो टोटल कितने फेस कार्ड हो जाएंगे, 12। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब निकालनी है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो इस केस में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा 12 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 52 है ही, ठीक है। 4 से ये 3 टाइम्स में जाएगा और ये 13 टाइम्स में जाएगा, तो प्रायोरिटी कितनी होगी, 3 अपॉन 13। थर्ड आते हैं अ रेड फेस कार्ड, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं लेट R equals to event of getting a red faced card, red face card, number of favorable outcome पहले निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें तो देखिए हम जानते हैं red color के सिर्फ दो ही type होते हैं, एक है हर्ट, दूसरा है diamond। तो फेस कार्ड और हर टाइप के तीन फेस कार्ड होते हैं, जैक, किंग, क्वीन। तो टोटल कितने होंगे, 6, ठीक है। तो प्रायोरिटी ऑफ इवेंट ऑफ प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड PR, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52 है। तो 2 से ये 3 टाइम्स में, ये 26 टाइम्स में, दैट इज 3 अपॉन 26। ये फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स में नेक्स्ट पेज में करूंगा। फोर्थ पार्ट है द जैक ऑफ हर्ट्स, रिज्यूम कर लेता हूं लेट जे इक्वल्स टू इवेंट ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हर्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। देखिए हर्ट का सारे के सारे टाइप के जैक एक ही होते हैं, मतलब कि हर्ट का एक जैक, स्पेड का एक जैक, क्लब का एक जैक, डायमंड का एक जैक। तो हमें हर्ट का निकालना है, तो एक ही होगा, एक हो गया। तो प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हर्ट्स, मतलब पीजे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस केस में क्या है, 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 है, तो 1/52। फिफ्थ पार्ट, अ स्पेड, मतलब प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। तो लेट एस इक्वल्स टू इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पेड। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम निकाल लीजिए पहले आप। तो देखिए स्पेड, स्पेड के कितने कार्ड होते हैं, 13, सारे के 13 कार्ड होते हैं हर टाइप के, तो स्पेड के 13 होंगे, तो हमें एक स्पेड निकालना है। स्पेड कुछ भी हो सकता, कोई भी स्पेड चाहिए, चाहे 2 से लेकर 10, जैक, किंग, क्वीन और एस, 13 हो गया क्योंकि टोटल स्पेड 13 होते हैं। तो प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड पी एस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 13, और टोटल क्या है, 52, तो कैंसिल हो गया 1/4। लास्ट पार्ट 6, द क्वीन ऑफ डायमंड, मैं ज़ूम करता हूं, लेट क्यू इक्वल्स टू इवेंट ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड। ठीक है, इस केस में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा, हमें पता है कि सारे एक होते हैं, मतलब क्वीन क्वीन डायमंड का एक ही होगा, तो 1 हो गया। तो प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड मतलब पी क्यू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कि 1 है, टोटल नंबर आउटकम जो कि 52 है। तो देखिए मैंने सारे सॉल्व कर दिए, आई होप सारे समझ में भी आपको आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। और एक चीज और, अगर हो सके तो जाके किसी शॉप से प्लेइंग कार्ड्स खरीद लीजिए, उसको ध्यान से देखिए कौन सा फेस कार्ड होता है, कितने कार्ड्स होते हैं, क्या क्या नंबर होते हैं उस पर, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पे बेस्ड जो भी प्लेइंग कार्ड पे बेस्ड क्वेश्चन है आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे।